जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जितना लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO का फॉर्म भरे हैं, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर आपने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देखिए। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं रूपमणि का, जो उसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज है और प्लस 5 प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट। तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोग आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाता है, Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS Excel 2016 वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, टोटल 30 सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी, डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते, ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS Excel 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Sheet 1 होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Ctrl+End का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। W3C का पूर्ण रूप क्या है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्सियम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित MS Excel 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले परिचित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड 7 में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, स्पष्ट कीजिए। तो ये कथन को स्पष्ट करना है आपको, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको सभी को बताना है। तो देखिए, MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा है कि MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सत्य है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और CC का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, CC का पूर्ण रूप होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, कथन ए असत्य है, जो कि मौजूद वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात क्या है, गलत है। तो Ctrl+M का प्रयोग पैराग्राफ को इंडेंट या राइट में करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS Excel 2016 में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाउ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाउ, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS Excel 2016 में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू का, इसका राइट आंसर सी। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शेडिंग, इसका राइट आंसर डी। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक
विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो संचार सेवा से संबंधित है, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेम बॉक्स, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बीसीसी का पूर्ण रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, URL, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एम एस एक्सेल 2016 वर्कशीट में किसी सेल में कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो एडिट करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, सेल पर डबल क्लिक करना, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बॉटम राइट, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो इसका राइट आंसर एट द रेट, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आप सभी बताएंगे किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य, आपको यही बताना है। तो दोस्तों देखिए एमएस वर्ड 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है, ये बात क्या है? गलत है, ठीक है, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता है, ये सही है, तो इसमें से गलत आपसे पूछा गया है, तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मूला का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, URL शब्द का क्या अर्थ है? तो URL शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपस से संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है? आप सभी बताएंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेबसाइट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो दोस्तों एमएस एक्सेल, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज डैश मोड में प्रिंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोट्रेंट, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंक्स है एक, तो क्या है? तो फ्रीवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का है कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगली सीट में आने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, प्रिंट पूर्व लोकन, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर MS-DOS, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रेड कोड है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी ब्लॉक का मालिक है या उसका प्रबंधन करता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ब्लॉगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वेब पेज विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, URL से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह दिखता है और सामान्य रूप से गैर प्रोटेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CRT इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑफिस राइटर 2016 में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, Ctrl+Shift+O। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ड 2016 के दस्तावेज में डिफॉल्ट बायां मार्जिन क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1.25 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में बनाता है और संख्याओं को प्रतीकों में बदलता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो शिफ्ट है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोम। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS ऑफिस 2016 की एक्सेल वर्क बुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 3 सीट शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, ADSL का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, प्रोसेसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर डी होता है, इनपुट डिवाइस है। चलिए देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यही है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेंडिंग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुकीज कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, F12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, COBOL का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, HTTP। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2004 में लॉन्च किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है या किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IBM के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रोटोकॉल जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, USB पोर्टल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने अल्फान्यूमेरिक अक्षर को QR कोड स्टोर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 7089। इसका राइट आंसर 7089। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी शहर के एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को किसी शहर से दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, WN नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी।
तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।